छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज की प्रदेश अध्यक्ष भारती शर्मा व कार्यकारिणी सदस्यों से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने समाज की गतिविधियों के बारे में बताया। नमस्कार, मैं भारती किरण शर्मा, प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज छत्तीसगढ़। एक हमारा संगठन है, रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका रजिस्टर्ड क्रमांक 6163 है। ये संस्था हमारी जुलाई 2016 से कार्य रूप में अपनी पूरे जिला में और पूरे छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है। मैं कौन से मतलब उस संस्था का जो बताया, तो उस कौन से पदस्थ में है, अभी कुछ बता सकते हैं, कार्यकर्ता के रूप में या? जी, अभी मैं संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था अभी 17 करीब जिले में कार्य कर रही है, जहाँ एक एक इकाई है। हमारी 5 मेन प्रकोष्ठ है, जैसे हमारा एक मुख्य प्रकोष्ठ है, नारी प्रकोष्ठ है, विप्र प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ है और एक युवा प्रकोष्ठ है। ये प्रकोष्ठ बनाने का मकसद है कि जो काम जिससे लेना है उसमें पारंगतता हासिल है, उनको ही ये नियुक्ति दी गई है। जैसे कि युवा प्रकोष्ठ है तो युवाओं के द्वारा उन कामों को करवाना जो युवा वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। मैम, आप जिस समाज से आते हो, जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण समाज से आते हैं आप करके, तो उनकी कुछ विशेषताएं बता सकते हैं या उनका कुछ इतिहास बता सकते हैं थोड़ा सा? ब्राह्मण समाज सर्वोपरि ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्मा के मुंह कहलाते हैं, वो हम ब्राह्मण अपने आप को मानते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों का पूरा कहना चाहिए कि इतिहास रहा है, तो ब्राह्मण कुल की जो मर्यादा और ब्राह्मणत्व का जो एक संदेश है, वो हम संस्कार माध्यम से सबके स्कूल तक, माने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। और ब्राह्मणत्व का असली मतलब ये है कि अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा समाज और परिवार और देश को दिशा देना, ये काम में हमारा संगठन लगा हुआ है। मैम, आप कितने वर्षों से समाज में जुड़े हुए और अभी तक अपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, कुछ बता सकते हैं मैम? वैसे ये प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज 2016 से गठित हुआ है, फिर भी हम इससे पहले सभी बहनें कहीं ना कहीं आज पिछले 35 सालों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। किसी भी संगठन में नाम अलग हो, लेकिन माध्यम यही था कि संगठन के माध्यम से सेवा की जाए। अब मुख्य मैं कारण बताती हूँ प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज बनाने का, क्योंकि संगठन तो 56 बन जाते हैं केवल पेपर में, पर जमीनी स्तर में कार्य करने के लिए देखें तो बहुत ही कम लोग तैयार रहते हैं। तो हमारा मकसद था कि हम जमीनी स्तर पर कार्य करें, इसके लिए इसका गठन किया गया 2016 में। और तब से लेकर अभी तक ये क्या क्या कार्य कर रहा है, हमारा मेन मकसद है सेवा, समर्पण, सहयोग और संस्कार। प्रांतीय अखंड ब्राह्मण समाज का यही है मुख्य आधार, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सेवा, इट मीन्स आप सेवा में बहुत सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप वृद्धाश्रम की सेवा ले लें, चाहे आप मंद बुद्धि और मानसिक रोगी बच्चों को हैंडल करें, आप काउंसलिंग करें ऐसे परिवार जो विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, इस तरह की सेवा हम निःशुल्क देते हैं। साथ ही साथ हम सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम अपने गरीब परिवार जिनको कभी कोई चीज़ की पढ़ाई फीस, पुस्तक, कॉपी, जूता, मोजा या और भी शादी वर ब्याह इतने सारे हैं जो हम केवल सामाजिक स्तर के नहीं, गैर सामाजिक लोगों की भी फीस भरने, पुस्तक देने, उनकी भी शादी में खर्च करने खड़े होते हैं, और वो भी स्वयं के अपने सबके, कोई अनुदान कहीं से नहीं मिलता। हमारा रजिस्टर्ड संस्था है पर ये NGO नहीं है, स्पष्ट कर दूं। जी मैम, मैं ये वो पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने बताया कि नारी के बारे में बताया, नारी सशक्तिकरण के बारे में कुछ बता सकते हैं, जैसे उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर? जी, अभी बहुत सही सवाल किया। नारी सशक्तिकरण और नारी की क्षमता या उसकी स्वतंत्रता, ये पहले समझना की बात है। नारी सशक्तिकरण किसे कहते हैं, तो ये नारी सशक्तिकरण केवल हम बाहर ख्याल से स्वतंत्र हो जाए इसे नहीं कहते। नारी को हमको सशक्त बनाने के लिए, उसकी बेस, उसकी जड़ को मजबूत करने के लिए घर से शुरुआत करनी पड़ती है। बेटी घर की गहना है, घर का वो एक संस्कार को वहन करके आगे परिवार में जाती है, तो उसको सशक्त करना हम माँ या जो भी घर की नारी है उनकी जिम्मेदारी होती है। शारीरिक रूप से सशक्त करें, मानसिक रूप से सशक्त करें और पढ़ाई के माध्यम से उनको इतना मजबूती प्रदान करें कि वो अपने आप को कहीं भी साबित कर सके। तो ये है असली सशक्तिकरण, जिसमें नारी स्वयं अपनी और अपने परिवार की कोई भी समस्या को आसानी से सुलझा सके। मैम, जैसे युवाओं के बारे में बात की आपने,
अपने जो संस्था से आते हैं, तो उनके बारे में क्या बता सकते हैं? जैसे कि हमारे को बहुत सारे युवा है नशे के तो जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और ज्यादातर तो बच्चे भी शामिल है इसमें, तो कुछ बता सकते हैं, कुछ बोल पाएंगे उसमें आप? ये बहुत विकराल रूप ले रहा है क्योंकि नशा इस कदर अभी बच्चों में कहना चाहिए इम्प्लांट कर दिया जा रहा है उनको, पहले चाहे फ्री में, चाहे लालच में, चाहे दोस्ती यारी में, ऐसा करके उनको आदत मने इतना ज्यादा बना दिया जा रहा है कि वो बच्चे उस नशे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं। हर तीन घर में आप देखेंगे एक परिवार ऐसा है जो पेरेंट्स बहुत व्यथित और परेशान है। इसका मुख्य कारण एक तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है कि स्कूल कॉलेज में ये सब चीज़ें कैसे और क्यों पहुंच रही है जिस पे रोक लगाया जाए। दूसरा घर में भी हम सामान्य ये चीज़ जो ड्रग्स हीरोइन क्या वो कब कौन खा के आ जाएगा आप उसकी फर्क नहीं कर सकते। सिगरेट की तो एक बार आपको बदबू भी आ जाए, पर ऐसी जो नशा है जिसमें कोई उसकी सुबुगाहट और कोई समझ में नहीं आता और वो बच्चे दिन रात कहीं और पड़े हैं और माँ पिताजी को उनकी फिक्र नहीं रहती। तो ये दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो जो अपने घर से बिल्कुल कहना चाहिए उनको मोह माया नहीं रहता, प्यार या सम्मान या कोई चीज़ की उनको कमी रहती है, तो वो इस तरह विमुख होते हैं। और दूसरे जो अय्याश किस्म के बच्चे रहते हैं जो आए दिन आपके बड़े बड़े यहाँ पाव और क्या क्या चलते हैं वहाँ की नशा, इस नशा को रोकने के लिए एक तो पहले सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि घर से इसकी शुरुआत की जाए। फिर भी घर अगर उस चीज़ को कंट्रोल पूरी तरह नहीं कर पाता क्योंकि बाहर निकल के बच्चे क्या कर रहे हैं ना क्या, तो स्कूलों में जिम्मेदारी टीचर्स की भी होनी चाहिए कि उनके बैग उनके इसकी तलाशी ली जाए रोज के रोज। तीसरा अगर बच्चे कहीं झुंड में बैठे दिख रहे हैं तो ये पुलिस और प्रशासन की भी जिम्मेदारी कि उस जगह को चेक करें वो ये बच्चे रोज यहाँ बैठते क्यों हैं। तो ये थोड़े डर जब तक बोलते हैं ना भय भी न हो न प्रीत गुस्सा है, तो ये बच्चों में जब तक थोड़ी सी कहीं ना कहीं घर का परिवार का समाज का और पुलिस प्रशासन का चौतरफा जब तक कोई इनको डर या ये दबाव नहीं होगा तो ये चीज़ें नहीं जाने पाएंगी। मैडम मैं एक बोलना चाहता जैसे कि आज की जो महिला है या लड़की लोग मैं बोल सकता हूँ इंस्टा में बहुत सारी फेमस भी हो रही है और कई ऐसी वीडियो बना रही है जिनको देखना भी नहीं चाहिए इस टाइम के, मैं कुछ लड़की लोगों के मैं कुछ आप बोलना चाहेंगे? ये एक बहुत कहना चाहिए कि वो क्या लोकप्रियता वो थी निम्न सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए बहुत सारी महिलाएं इस तरह के काम कर रही है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन कर रही हूँ आपकी बात का। पर आप देखेंगे वो खुद क्या इस चीज से सेटिस्फाइड रह सकती होंगी, क्योंकि गलत को प्रस्तुत करना कभी भी सही नहीं हो सकता और गलत का प्रचार प्रसार एक क्षणिक रहता है। उस चीज में चार महीना कोई भी उस चीज को आकर्षित हो सकता है या उसमें जा सकता है, लेकिन फिर फाइनली उस चीज का दिमाग मानसिक तौर पे उसको कहीं ना कहीं अवसाद में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में ला ही देगा, क्योंकि गलत चीज का कोई रिजल्ट सही नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है। और सही चीज करने के लिए आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। पर सस्ती लोकप्रियता के लिए जो बदन से मैंने कुछ दिखाना, कपड़े हटाना और वो अनबन शॉर्ट रील्स और ये जो लड़कियां बना रही है, मैं इसका विरोध करती हूँ, बिल्कुल भी उचित नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में क्या बोलना चाहेंगे मैम आप? शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है। एनी पर्सन जो इस मैंने कहना चाहिए लोक में है, मनुष्य जाति का, किसी भी धर्म ग्रंथ और किसी भी पंथ का, शिक्षित तो सबसे पहली शर्त है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम आगे बढ़ना क्वाइट इम्पॉसिबल। जब तक ज्ञान का भंडार आपके पास नहीं है तो किसी भी दिशा में क्या करना है, निर्णय उचित अनुचित, इन भेदों को कैसे समझ पाएंगे। तो शिक्षा इज द मस्ट। बस कौन सी शिक्षा जिसमें संस्कार भी शामिल हो, देश हित भी शामिल हो, ये नहीं कि वो जो पुरानी मैकाने पद्धति चल रही है मैं उस चीज़ का समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें शिक्षा नहीं, इतिहास को छुपा के गलत चीज़ों को शिक्षा के तौर पे बताया जाता है। शिक्षा का अर्थ होता है संस्कार के साथ, राष्ट्र भावना के साथ, देश में जो हमारे बड़े महापुरुष हुए उन सब के जीवनी को शामिल करते हुए शिक्षा का प्रणाली बनाना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं मैम, अपने विचार कुछ व्यक्त कर सकते हैं आप? देखिए हम तो चाहते हैं कि हमारी जो इच्छा है खुद की कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले कि मुझे अपने आप को अपने से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, तो मैं अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करूं या ऐसे काम करूं कि मेरा जो भी कर्म हो वो समाज, परिवार, देश, राष्ट्र हित में हो। कभी भी ऐसे काम में हम ना इन्वॉल्व हों छोटी और सस्ती लोकप्रियता के लिए, जिससे कि दूरगामी परिणाम हमेशा उसका नकारात्मक ही आए। तो मैं चाहूँगी कि जो भी अपने आप से कर रहे हैं हम, जिस भी क्षेत्र में, संगठन के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से,
तो दिशा सही पकड़ में रहें और अपने आप को ऐसी लाइन पे रखें कि हमारे ऊपर उंगली ना कोई उठाए।